हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज देर रात क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, लेट नाइट क्या कुछ सोच रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर वो क्या मैसेज, क्या एडवाइस, गाइडेंस आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, चलें जानने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं आज देर रात क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, सोचिएगा उनके बारे में, क्या है आपके पार्टनर का थॉट्स आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप कितने शांत हो गए हो, ठीक है। आपके पार्टनर आप में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। आप एक पीसफुल सिचुएशन में हो, एनवायरनमेंट में हो, एनर्जी में हो। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि उनका एनर्जी, उनके एक्शंस आपके लिए राइट नहीं है, बट फिर भी आपने खुद को या अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, आपने खुद को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, आप अपने मेंटल पीस का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे हो, ठीक है। आप खुद का ख्याल रख रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आप बिल्कुल कॉन्शियस हो गए हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर या अपने पीस को लेकर, स्पेशली अपने पीस को लेकर, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, लाइट एनर्जी फील कर रहे हैं, एक अलग इमोशंस, फीलिंग्स वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई और ही पर्सन बन गए हो जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं था कि पहले आप पॉजिटिव नहीं थे, पहले आप लवफुल एनर्जी में नहीं थे, आप थे, पर पहले से कहीं ज़्यादा आप उनको पॉजिटिव, काफ़ी एनर्जाइज्ड, काफ़ी लवफुल एनर्जी में लग रहे हो, ठीक है। यानी कि एनर्जी आपका इतना अच्छा है, इतना सही है, इतना पॉजिटिव है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उनको भी करेंटली आप माफ़ करने के लिए रेडी हो, या तो आपने ऑलरेडी माफ़ कर दिया है दिल ही दिल में, मन ही मन में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके पार्टनर आप में फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी आपका दिल दुखाया है कहीं पर, तो आपने दिल ही दिल में, मन ही मन में उनको भी आपने माफ़ कर दिया है, जाने दे दिया है। ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं जो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप करेंटली इनको प्यार के देवी देवता के रूप में लग रहे हो, और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये मुझे कहना चाहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। फिजिकली आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, इमोशनली, मेंटली, ठीक है, आपका ऑरा, आपका एनर्जी, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव एक्शंस है, वो सब इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्यार में और भी ज़्यादा गहराई से ये उतर रहे हैं। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का सोच। ओके, 4-4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आज आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ये व्यक्ति खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों का फाइट हो गया है, ठीक है, या किसी ने फाइट कराने की कोशिश की आप दोनों के बीच, आपको भड़काया, उनको भड़काया, आप दोनों के बीच सब कुछ चीज़ों को ख़राब कर दिया, इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, फाइट कराया गया, आप दोनों के बीच भड़काया गया, या लोग अगेंस्ट थे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। पर अगर आज आप दोनों साथ में नहीं हो, तो ये व्यक्ति ज़रूर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, वापस से यूनियन करना या वापस से कॉन्टैक्ट में आना, फ्रेंडशिप करना,
या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि देरी कहाँ हो रही है, क्यों आप दोनों यूनियन में नहीं आ रहे हो, कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे हो, या चीज़ें बदल नहीं रही है। अगर आज नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो ऐसा ही है, काफ़ी वक्त से है, तो ये चीज़ें क्यों नहीं बदल रही है, ये आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है। और जब ये डीप में सोच रहे हैं इस चीज़ को, तो इनको स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, इनका मूड काफ़ी ख़राब हो रहा है, ये दोष आपको स्टॉप करते हैं। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ओके, अगर आप रोते हो, परेशान रहते हो, इनको बहुत मिस करते हो, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ये भी आपको बहुत मिस करते हैं, ये भी आपके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा आती है, आप खुद को संभाला करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया करो, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, फिल कर लेते हैं, ठीक है। आप जिस भी एनर्जी में रहते हो, चाहे आप खुश रहते हो, चाहे आप उदास रहते हो या रो रहे होते हो, आपके पार्टनर एहसास कर लेते हैं, वो फिल कर लेते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही तड़पते हैं, रोते हैं, जितना कि आप, अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। तो आप खुद को संभाला करो, खुद का ख्याल रखा करो, आप यूँ परेशान खुद को मत रखा करो। आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं, इनको लगता है जैसे कि जो भी आपके एनर्जी होता है ये आपको फील कर लेते हैं, इनके ड्रीम्स में आप आते हो, ठीक है, इनके ड्रीम्स के थ्रू ये आपके बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हो, ठीक है, आप दोनों अदर हाफ हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का मिलना शायद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर आपसे दूर रहकर भी ये आपको महसूस करते हैं। आपका इस लाइफ में होना, आपका हेल्दी रहना, आपका सही रहना, सही रहना मीन्स आप करेंटली हेल्दी हो, ठीक है, इस लाइफ में हो, तो आपका प्रेजेंट रहना इस लाइफ में इनके लिए इतना ही काफ़ी है, आपका खुश रहना, हैप्पी रहना, हेल्दी रहना, इतना काफ़ी है इनके लिए। ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आप इनकी यादों से कभी बाहर ही नहीं जाते, उस व्यक्ति को क्या ही याद करें, क्या ही मिस करें, जो हर वक्त माइंड में होता है, जो हर वक्त साथ चलता है, ये कहीं भी चले जाए, किस भी दुनिया के किसी भी छोर में रहे, आपकी यादें इनका साथ नहीं छोड़ती, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। इनका बस चले तो आपके साथ ऐसा लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं जो कि नॉर्मल हो, नॉर्मल मीन्स जैसा लवर्स का होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है, ठीक है, तो ऐसा लाइफ आपके साथ जरूर क्रिएट करना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपने जो इनका थॉट्स होता है, वो सब अपनी मदर, सिस्टर या इनके क्लोज फ्रेंड ये शेयर करते हैं, ठीक है, और लोग इनको समझते भी हैं, जिनसे भी शेयर करते हैं, ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि जो इनकी जज्बात है ये व्यक्ति शेयर करते हैं, स्पेशली शायद इन्होंने अपनी मदर से, सिस्टर से या किसी क्लोज फ्रेंड से, जिनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, करती है, उनसे इन्होंने शेयर किया है, ठीक है, आपके साथ ये लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इनकी इतनी ख्वाहिश ज़रूर है, और इनको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स चाहे या आप दोनों चाहो तो ऐसा लाइफ ला सकते हो आप दोनों के बीच, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट हो, आप दोनों के बीच दूरियाँ हो सकता है, मजबूरियाँ हो सकता है, या बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि
इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना या सक्सेसफुल बनाना शायद आसान नहीं है, पर फिर भी इनकी ख्वाहिश है, इनका ड्रीम हो आप, ठीक है? इनका ड्रीम है आपका साथ पाना। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है? इन्होंने भी खुद में काफी कुछ चेंजेस लाया है, ठीक है? ये भी पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं, या आपके प्यार ने आपने इनको चेंज किया है कहीं ना कहीं, ठीक है? आपसे इन्होंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ समझा है। ये मैसेज आपको देना चाहते हैं आपके पार्टनर। सभी साइंस मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। गुड नाइट।